Hello ji, welcome to Radio Bowl Australia. My name is Sameen. Ikbal, host, jante hi honge, ab to yaad hogi hongi main sabko. Aur yahan pe ji 2020 बड़ा ही जबरदस्त किस्म का साल स्टार्ट हो चुका है और उस साल को स्टार्ट आपने किया और मेरा तो हॉलीडेज का सीजन है चल रहा है बहुत लोगों का वेट गेन हो चुका होगा मेरी तरह तो हमने सोचा कि अपनी जो दीवा है इस वीक की आपको पता होगा कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है विच इज दीवा जो कि एम्पावरिंग विमेन एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जिसके अंदर क्या होने लगा है कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे यूजली जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं इट्स अबाउट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप सिर्फ खूबसूरत होके छप्पन छुरी बन के आ जाते हो लेकिन लेकिन एक चीज होती है इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज दैट व्हाट इज वेयर इज द ट्रू एम्पावरमेंट इज तो फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया वी आर इंट्रोड्यूसिंग दीवा एक प्रोग्राम जिसमें यू विल ट्रांसफॉर्म फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली तो उसमें हमने बहुत सारे उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें लाइफस्टाइल वेट लॉस हेयर स्टाइल ब्यूटी न्यूट्रिशनिस्ट मेडिटेशन वेलनेस योगा वर्कशॉप्स होंगी मोटिवेशनल स्पीकर्स मॉडलिंग पोर्टफोलियो एंड फिल्म आपकी पूरी वो बनेगी तो उसका एक पार्ट है विच इज वेट लॉस एंड न्यूट्रिशनिस्ट तो हमारे साथ हमारी जो दीवा ऑफ द वीक कानिका जो कि देसी तड़का रेडियो बोल पे बहुत लोगों ने देखा उसका फिटनेस तड़का सॉरी देसी तड़का मेरे मुझसे नहीं क्योंकि टेस्ट तो देसी वही मजे का था फिटनेस तड़का की क्या बोलेंगे जो ब्रेन्स बिहाइंड रेसिपीज और जो न्यूट्रिशनिस्ट उसकी आई हैंडल द न्यूट्रिशन पार्ट मैं हां रेसिपीज तो हम नहीं ट्राई करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो है वो बोर ना हो जाए और उनको बिल्कुल फीका खाना ना मिले जो वेट लॉस वाला खाना होता है जो लोग कहते हैं कि हम दूर भागते हैं जिनसे तो कॉन्सेप्ट यही था कि हम जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं खुद कर रही थी वेट लॉस तो जब फीका खाना खाने को मिले या वही आप किसे कहते हैं ना खांस फूस खाने को मिले तो It's get boring, monotonous हो जाता है तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट वहीं से आया अमेजिंग कॉन्सेप्ट हाँ जी थैंक यू और मेरा जिन्होंने साथ दिया आप भी उनसे मिली थी अभी सब आप आए थे रेडियो बोल की हाँ जी जानते हैं जी सबको तो उन्होंने मेरा साथ दिया इसमें और फिर वो भी वेट लॉस कर रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट बस वहां से और मैंने ट्राई किया फिटनेस तड़का का खाना और वीकली मेरा 1 किलो वेट कम हो रहा था और मैंने एक स्पेशल शो करना था विच वाज बिफोर एंड आफ्टर वाला शो क्योंकि आई लॉस्ट एक महीने के अंदर अराउंड 5 किलोग्राम्स और एंड पता भी नहीं चला कम करते हुए और इतना जबरदस्त फ्रेश खाना जो कि आपके घर डिलीवर होता है बहुत ही मजे का उसका टेस्ट है और टेस्ट के लिए हम अभी के साथ एक शो करने वाले बहुत जल्दी जिससे आपको फूड रिव्यू देंगे आपको पता चलेगा और सब और मेरा जेन्युइनली वेट उससे कम हुआ जो कि मैंने फिर हॉलीडेज में गेन कर लिया है अब मुझे डांट भी पड़ी है थोड़ी सी लेकिन ये कि वो चलता रहता है यू वर आल्सो नॉट वेल तो आप बताइए अपने बारे में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप जैसे आप हम जो वेट लॉस की बात करें काफी लोगों का वेट बढ़ गया तो आपको क्या लगता है कि इससे जितनी मार्केट में तरह तरह की डाइट चल रही है फास्टिंग कर लो वाटर फास्टिंग और ये वो लाइक कीटो डाइट ये डाइट वो डाइट तो व्हाट इज द बेस्ट वे वेट लूज करने के आई थिंक वेट लूज करने के लिए आप जो खाना खाते हैं जो मतलब चाहे वो किसी भी कल्चर में आप हो जो आप खाना खाते हैं अगर हम पोर्शन साइज अपना मेंटेन कर लें या हम उसको पोर्शन साइज को थोड़ा कम कर लें अपनी कैलोरी काउंट के हिसाब से खाएं तो आप वेट लॉस कर सकते हैं और व्हेन यू वर्क आउट एज वेल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उस चीज को मतलब दोनों चीजें जो है वो साथ में काम करती हैं दोनों 80% योर डाइट एंड 20% योर एक्सरसाइज तो हम लोग जब डाइट खा रहे होते हैं तबाहियां मचा रहे होते हैं अब देखो आप खुद भी जिम जाते थे और हमारा खाना खाते थे आप 5 किलो महीने में लूज कर पाए थे बिल्कुल हाँ वो इसी वजह से आप जल्दी लूज कर पाए थे और जो नहीं एक्सरसाइज करते हैं आगे थोड़ा बहुत यू नो ज्यादा नहीं वो वॉक पे चले जाएं नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट अपना पोर्शन कंट्रोल
पोर्शन कंट्रोल और क्या खाना टेस्ट वाइज भी इतना मजे का. और इनके शेफ है जो कि आमिर खान का टिकट में उनको बोलती हूँ. मैं सोच रही थी एम्पावरिंग दीवा के लिए जो अभी को हम मेकअप शेकअप करके भी बिठा सकते हैं आगे, मतलब जबरदस्त किस्म का शो हो जाएगा. बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत क्यूट है. तो बिल्कुल, मैंने तो लास्ट टाइम शो में बोला था बिल्कुल आमिर खान के जैसे लग रहे हो. तो जबरदस्त किस्म की इनकी टीम है. आप लोगों को अगर वेट लूज करना है और आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है एक हेल्दी और वो वाला खाना बनाने को, तो फिटनेस तड़का पेज को हमने टैग किया हुआ है. आप सिर्फ करना क्या है, उसको क्लिक करें, वो पेज पर आपको ले जाएंगे वहां जाके आप बात करें, आपको जो भी ऑर्डर करना है. अमेजिंग फूड है और विद रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया और मेरा इतनी जल्दी वेट कभी नहीं कम हुआ जितना उन दिनों. और इन अ फन वे बिकॉज मजे में अरे चुकंदर की रोटियां मिल रही हैं. अच्छा मजे मजे का वो खाना, केएल चिकन वाज रियली गुड और साथ में वो बड़े मजे मजे के वो उसका फ्लेवर बिरयानी की रेसिपी वाज अभी और वो जो हेल्दी बिरयानी वो भी इट वाज रियली नाइस एज वेल. और साथ में वो जो प्रोटीन बॉल्स थी डिजर्ट वाले वो भी बहुत यम्मी होते थे. मे बी वी आर इंक्लूडिंग लाइक हम After Feb, we are thinking हम desserts थोड़े बहुत ही सही मतलब एक आधी बारी डाल देंगे. डाल देंगे. तो like अभी makes protein कलाकंद. Protein कलाकंद. It is high in protein, जैसे नाम ही है. And it is good for anybody who has sweet tooth, क्योंकि उसमें कोई preservative नहीं है. कोई ऐसे sugar नहीं है, natural sugar है. Natural sugar. अच्छा अभी आप ये बताएं, जैसे अब आजकल holidays हैं, weight बढ़ चुका है, घर में जो लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे आजकल मैं जिम नहीं जा पा रही, बहुत सारी मदर्स ऐसी होंगी जो कि बच्चे घर में होते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो क्या डाइट को घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, कि कुछ थोड़ा सा फिटनेस प्लान या कुछ. देखिए मैं ऐसे खुद जिम नहीं जा रही हूँ, बच्चे स्कूल हॉलीडेज आपने कहा है, तो मैं अभी लास्ट टू वीक्स में एक ही बारी गई हूँ. तो बेसिकली मैं वही करती हूँ, मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ अपना. पोर्शन आई डोंट ओवर ईट और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं 4 या 5 बजे के बाद कार्ब्स का जो पोर्शन है वो कम कर दूँ या मैं ना खाऊं. उससे पहले आई कैन यू नो मैं परांठे भी खाती हूँ या मैं चावल, जैसे हम राजमा चावल है वेरी फॉन्ड ऑफ, तो मैं वो चीजें भी खाती हूँ. पर शाम के टाइम After 4 or 5, I try not to eat carbs. तो अब जैसे portion size की बात करें, breakfast में कितना portion size हो? जैसे let's say हम बात करते हैं, अगर एक normal एक हम इसे एक 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 imaginative बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसका जो क्या हमारा client है, maybe एक lady है, she is in her 30s. ठीक है, चलो मैं अपनी बात ही कर लूँ. अपनी बात कर लो. हाँ ठीक है, मैं अपनी बात ही कर लूँ. चूंकि घर का काम करना है उसको, ठीक है, एक्टिविटी लेवल इज दिस, के शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स और घर का काम कर रही है. तो और उसका क्या होगा पोर्शन, उसको कितना लेना होगा? हाइट उसकी 5'3" 5'4" एक नॉर्मल हाइट है, तो उसके आप अकॉर्डिंग बताओ. देखिए कैलोरी काउंट हर किसी का वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, उनके जो रूटीन है दिन का उसका उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. एज वाइज हम सब वो स्टैट्स करते हैं. अगर मैं अपनी अपनी बात करूँ तो मैं ब्रेकफास्ट में कभी कभी मैं 1 या 2 परांठे खा लेती हूँ. सिर्फ गेहूं का आटा नहीं डालती हूँ, मैं उसमें 2-3 आटा मिक्स कर देती हूँ. और चाहे मैं वो गोभी का परांठा बनाकर खा सकती हूँ, या जैसे आपने बोला कि चुकंदर यानी कि बीटरूट का खा सकते हैं, मतलब आलू का अवॉइड क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं करना चाहती हूँ. पर वंस इन द वाइल मैं आलू का परांठा भी खाती हूँ. देन वी हैव पोहा, वी हैव चीलास, वी हैव उपमा. तो आप 2 खा सकते हैं, ठीक है. हाँ. तो देन लंच में आते हुए मैं अपना पोर्शन साइज थोड़ा सा कम कर दूंगी उससे. अगर मैंने राजमा चावल ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हैवी और फिर लंच में मैं एग, अगर मानो मैंने 2 एग्स खाए हैं, 2 बॉइल्ड एग्स हैं, तो आई हैव सम एवोकाडो या स्पिनच ऑन द साइड और 1 स्लाइस होल व्हील ब्रेड का, ठीक है. तो दैट्स काइंड ऑफ यू नो यू हैव योर कार्ब्स, यू हैव योर प्रोटीन एंड यू हैव योर गुड फैट एज़ वेल. तो यहाँ पर जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया उनको बताते चले, आज का ये हमारे साथ दीवा ऑफ द वीक मौजूद हैं, जो कि दीवा जो कि एक अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम
aap log, when we talk about transformation, it includes so much. It's not just physical transformation. Okay. It's mentally and physical and emotional transformation as well. Yeh jab aap Diva's ka program, jo ke 30 to 45 days ka program hai, jisme ke aap ke liye best gurus leke aa rahe hain different categories mein, lifestyle, weight loss, hair style, har tarah ke isme ye categories hai jinme aapko groom kiya jayega. And jab end of the show, jab aap ek, you will be not just physically transformed person but emotionally as well, you will be a positive person. Theek hai, aapki jo attachments and cheezon ke sath jo ki aapko tang karti hain, attachments, sometimes you know aap different tarah ke attached ho jate ho, aap wo cheezon se detach ho chuke hoge. Agar koi aapki koi mental blockage hai wo nikal chuka hoga aapka. Aur sath mein best world ke motivational speakers isme hum engage kar rahe hain, jo ki aapke agar limiting beliefs hain, koi is tarah ka issue hai usme bhi they will help you to overcome those fears and all those limitations. Aur sath mein best nutritionist and aapke sath mein trainers hoenge jo weight loss aap karoge. Aur uske baad ek end mein aapko motivate karne ke liye zabardast kisam ki Bollywood star bhi aa rahe hain, uska naam wo surprise hai, abhi disclose nahi kar rahe. Aur aapka ye pura ka pura portfolio bana ke video aur sath mein photographs aur best photographers hoenge jo ki hum log lekar aa rahe hain Bollywood, Tollywood aur wahan se, to kya baat hai, wo aakar aapka pura ek bada zabardast kisam ka dress hoga aur aapka pura journey aapko dikhaya jayega aur different TV channels par as a reality show bhi aapke hum is journey ko share karenge. To ek khub exciting kisam ki cheez hone wali hai. Jin logon ne abhi tak is page ko like nahi kiya wo aaj hi like kare aur register bhi kare. बिल्कुल, अजय कुमार हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लाइव देख रहे हैं. वो कह रहे हैं, हाय खानिका, अवर डाइट कैन वी कंट्रोल और क्योर अवर डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, विद डाइट कैन वी कंट्रोल. हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हम उनके अकॉर्डिंग भी प्लान्स बनाते हैं और वो बिल्कुल, आप जो थायराइड है वो कंट्रोल में आ सकता है, डायबिटीज भी कंट्रोल में आ सकता है. आपका डाइट बहुत चीजें सॉल्व करता है हेल्थ इश्यूज. आज हम मेरे अभी और मैं हम एक क्लाइंट से बात कर रहे थे जिन्होंने हमारे साथ वेट लूज किया था. उनको स्टमक में प्रॉब्लम थे और उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ जस्ट टू यू नो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो उन्होंने हमसे डाइट भी किया, एक्सरसाइज भी किया, एंड टुडे ही इज फिट एज He's fitter than what I can be, like, you know, I can imagine to be. And he's in his 40s and he's doing really well, and with just diet control and exercise. That's really amazing. Actually, main jin dino I was having fitness tadka ka khana, energy level was amazing. मतलब ये एक जनरली मैं आई हैव टू गो टू पाकिस्तान, माय फादर वाज वेरी सिक. मैंने एक आफ्टर शो करना था जिसमें मैंने जेन्युइनली एक फीडबैक देनी थी. जैसे मैंने आपसे कहा था दीवा के बारे में, just listen to the जिस पूरे शो में सुन के मुझे I want your general opinion about that. तो इतना जबरदस्त खाना, रेसिपीज इतनी अच्छी, और you can actually feel जैसे फूड को प्रिपेयर जिस तरीके से किया जाता है, जिस एनर्जी के साथ, you can actually feel it के जो टीम पीछे काम कर रही है वो कितनी पॉजिटिव है और कितने कंसर्न है आपके पर्सनल गोल्स के साथ. तो मस्ट ट्राई करना आपको. और यहाँ पर और हम लोग अभी के साथ एक बहुत जल्दी शो करने भी वाली हैं, आपको बताएंगे, फूड दिखाएंगे भी से, जिसमें आप लोग देखेंगे किस तरह का फूड है. और यहाँ पर फिर से दीवा, हमारी दीवा ऑफ द वीक हमारे साथ मौजूद है, कानिका. तो कानिका, हम बात कर रहे हैं जो लोग कीटो डाइट्स और इस तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं और वाटर फास्टिंग, तो उसको अगर हम कंपेयर करें एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट से, तो वो लोगों को क्या चूज करना चाहिए? बैलेंस, आपने खुद ही बोला कि बैलेंस और हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट क्योंकि हम जो खाते हैं, जैसे हमारा स्वभाव, अगर हम कभी जैसे होता है अगर हम ना खाएं, हम एक दिन फास्ट करते हैं, दो दिन फास्ट करते हैं, हम ना खाएं थोड़े ग्रम्पी हो जाते हैं, यू नो हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है. पर वही अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड हो तो एनर्जी लेवल, जैसे आपने कहा, आपका बढ़ जाए, एनर्जी लेवल बिल्कुल. और वो वेजेस और वो जो आप एक बैलेंस खा रहे हो ना, यू आर गेटिंग जैसे जितने आपको वेजेस की सर्व चाहिए, हाँ, जितना आपको प्रोटीन चाहिए, व्हेन इट्स वेल बैलेंस्ड एंड वेल डिजाइंड डाइट, तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल. और क्या होता है कि कुछ टाइम बाद अब जब डाइट
आप करके खत्म करते हो और अपने वापस रूटीन में आओगे, आप वेट भी जल्दी ही पुट ऑन करोगे. वही अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लूज कर रहे हो तो आप पुट ऑन जल्दी नहीं करोगे. पुट ऑन जल्दी और आपकी ईटिंग हैबिट्स यू नो अपने आप सही हो जाएगी. बिल्कुल, यू विल लर्न टू ईट क्लीन. आई विल से जो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी ना कि एक माइंडफुली मुझे लगा था कि खाना खान जैसे यू नो व्हेन आई वाज ईटिंग तो मुझे पता होता था ये पोर्शन है ये चीज है. तो उसमें मैंने लर्न भी बहुत किया जैसे पोर्शन साइज के बारे में चीजों के बारे में. मस्ट ट्राई करना है, मैं बार बार सबको बोलती हूँ. तो और साथ ही यही बताती चलूँ कि कानिका और इनकी टीम फिटनेस तड़का जो है वो स्पॉन्सर भी कर रहा है हमें 3 days का मील. उन लोगों के लिए 3 questions है जिनके अगर आप जवाब दोगे तो आपको 3 days का लंच एंड डिनर आपको स्पॉन्सर किया जाएगा फिटनेस तड़का की तरफ से. वो हम क्वेश्चंस पोस्ट कर देंगे और वो आपने आंसर करनी है, उनके सिंपल से जवाब है और आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ अमेजिंग द फूड इज. उसके बाद आप खुद ही बात करके आप अपना प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं. आप हमें बता सकते हैं जो भी विन करेगा कि वो वेज है नॉन वेज है तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको केटर कर सकते हैं. केटर कर सकते हैं. अच्छा, तो अच्छा मुझे बताएं कि जो एक्सरसाइज है व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म. जिम में जाके वॉक, लोग थोड़े से इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर जिम नहीं जा रहे तो वेट नहीं, बॉडी टोनअप नहीं होगी प्रॉपर, तो घर में किस तरह का वर्कआउट आप कर सकते हो. जब मेरी बेटी छोटी थी, अब तो 3 साल की है तो हाथ में नहीं आती है, हाँ. तो मैं उसको पकड़ के स्क्वाट्स और लंजेस करती थी. उसको अपने स्टमक पे बिठाकर मैं यू नो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करती रहती थी या क्रंचेस करती रहती थी जस्ट टू एड एन एक्स्ट्रा वेट कि भाई मेरे को थोड़ा सा एफर्ट और मैं लूं. तो आप घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो जिनको डांस करना आता है वो यू नो म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं. तो इफ यू हैव स्टेयर्स जिनका यू नो टाउन हाउस है या कुछ है तो आप स्टेयर्स अप एंड डाउन यू कैन गो, आप काउंट करें कितने स्टेप्स हैं आपके. तो दिस वे यू कैन हेल्प योरसेल्फ लाइक इन सिटिंग एट होम इफ यू नॉट वांट टू गो इन द जिम. और यू नो कुछ लोग होते हैं जो इतने पैसे जिम में दे देते हैं पर वो जा नहीं पाते हैं. डोनेशन उनको मत दो, डोनेशन बहुत लोगों को चाहिए. तो वहां पर अपने आप यू कैन सेव योर मनी देयर और यू कैन हेल्प समबडी एल्स विद दैट मनी. अजय पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिलेट्स. मिलेट्स इज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन. आप बिल्कुल मिलेट का आटा भी आता है, उसमें आप उसकी रोटी भी बना सकते हैं. इट इज वेरी गुड. इट इज वेरी गुड. तो इट डजंट हेल्प विद वेट लॉस के साथ मेंटेन करने के लिए. इट कीप्स यू फुलर, हाई इन फाइबर एज वेल. तो बिल्कुल जैसे सोया का आटा है, बार्ले का आटा है, ये सब इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ यू नो रोटी. अगर आपने बनानी है रोटी खानी है तो आप इन इन जो आटे हैं इनका आप बनाकर खा सकते हैं. खा सकते. अच्छा, जो एक वो है कि ग्रीन टी से वेट लूज होता है, डस दैट वर्क? जैसे डिपेंड्स, मैंने वही बोला ना कि ग्रीन टी जैसे जब कई लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जैसे जब हमें प्यास भी लग रही होती है ना तो हमें खाने की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है. तो अब आप पानी पी लोगे उस समय वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी. क्रेविंग खत्म हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि वो यू नो समटाइम्स योर ब्रेन फंक्शंस जो होता है आपको गेम्स खेल रहा होता है, अरे कुछ खाने का दिल कर रहा है, उसका पानी पी लो. लोगों ने अगर बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, पानी पीकर वो क्रेविंग एकदम कम हो जाएगी. तो ग्रीन टी होता है कि व्हेन यू आर क्रेविंग फूड या यू नो थोड़ा सा इट कीप्स यू इट फिल्स योर स्टमक, क्रेविंग थोड़ी खत्म हो जाती है. और सब हर किसी के लिए अलग है, हर किसी अलग अलग. अच्छा, एक और चीज, जैसे हम लोग एक ही डाइट होती है, डिफरेंट लोग खाते हैं बट हर एक का रिजल्ट डिफरेंट आता है, राइट? जैसे मे बी इफ अगर मेरा 1 किलो लूज हुआ है, किसी का 2 किलो, किसी का 3 किलो लूज होता है, फ्यू पीपल जस्ट दे डोंट इवन लूज, तो वो क्यों होता है इस तरह से? एंड यू नो आपका BMI स्लो होता है कुछ लोगों का. हर किसी का देखो एज, जब मैं अपने 20s में थी तो जब मेरा बेटा हुआ विद माय फर्स्ट वन आई लॉस्ट वेट इन 6 months. विद माय डॉटर आई वाज इन माय 30s. इट टुक मी अ व्हाइल टू लूज वेट. तो आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रगल. और ये जो फिटनेस का कॉन्सेप्ट आया इसी से आया क्योंकि आई वाज स्ट्रगलिंग टू लूज वेट, देन आई मेट अभी ही वाज स्ट्रगलिंग टू लूज वेट. तो वी जस्ट हम दोनों ने ये आइडिया इसी फॉर्म में आया कि हम कुछ हेल्दी बना सकते हैं और अपने इंडियन खाने से बना सकते हैं. पोर्शन कंट्रोल डाइट ऑफ राजमा चावल इज एज हेल्दी. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर हम अपने कैसे फायर अप कर सकते हैं BMI को, कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं कुछ?
आई थिंक जब आप डाइट अच्छा लोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, पानी टाइम पे पियोगे, ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स. बिल्कुल. और हाउ मच वाटर वी शुड ड्रिंक, जैसे मैंने सुना है कि एवरी 25 किलोस ऑफ वेट यू शुड ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर. हम देखो दो लीटर से 3 लीटर बोलते हैं, और मैं जैसे 2 लीटर से ऊपर नहीं पी पाती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने को पुश करके 2.5 लीटर कर दूँ. और थोड़ी दिक्कत भी तो होती है, बार बार टॉयलेट भी जाना पड़ता है. मुझे तो लगता है कि थोड़ा भी पानी कम पी लो. तो कुछ दिन यू नो नहीं आप उसको कर सकते हो फॉलो, बट दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट रेगुलरली. जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई उनको स्ट्रगल है वेट लॉस करने में, तो हमारे साथ हमारी दीवा ऑफ द वीक मौजूद है आपको गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए. दीवा जो के प्रोग्राम है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है. एक आप यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू योर ट्रू सेल्फ जिसको कहते हैं, जिसमें यू विल हैव योर आपकी अपनी आइडियल बॉडी, योर ओन यू नो, जिसमें आप जिस तरह से खुद को देखना चाहते हो, एक लिबरेटेड स्पिरिट, एक उस फॉर्म में. तो हर तरह के लिमिटेशन से अगर आपको लड़ना है, दीवा इज दी प्रोग्राम फॉर यू. तो लाइक कीजिए इस पेज को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड साइन अप करें आज, क्योंकि साइन अप करने पे आपको हम अपने इन्फॉर्मेशन सेशंस में बुला सकते हैं. तो अच्छा, आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीवास प्रोग्राम, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था, तो मुझे सुनकर तो ऐसा लगा था कि जैसे हम बॉलीवुड रियलिटी शो कुछ कर रहे हैं. कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, मतलब इतने सारे आपने चीजें इसमें करी हैं कि आपने लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर रहे हो. और आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोगों को यू नो I used to lack in confidence. मुझे घर से निकलने के लिए थोड़ा सा होता था कि नहीं यार कैसे करूंगी, कैसे बात करूंगी. तो जब आप थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हो अपनी लाइफ में, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है. आई थिंक दिस प्रोग्राम ऑफ योर्स विल डेफिनेटली गिव दैट टू वुमेन. बिल्कुल. तो आप आज हम लोग इसमें आप अपनी फ्रेंड्स को जरूर इसके बारे में बताइएगा. मैंने आपको ऑलरेडी एक दो के बारे में बताया है. बिल्कुल. हाँ, उनको आपने बताना है कि वो आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, साथ जुड़े. और एंड में ऐसा कि हम लोग प्रोग्राम के एंड में जा रहे हैं, तो अगर कोई चीज जो मैं आपसे नहीं पूछ सकती हूँ अबाउट वेट लॉस या कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू कि मोटिवेटेड कैसे रखें. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आप वो लूज कर जाते हो, जैसे आप कैरिड अवे हो जाते हो चॉकलेट्स. आजकल हॉलीडे सीजन है, तो वो मोटिवेशन का लेवल कैसे आप रखें? नहीं, आप अपने कोई एक दिन दे दीजिए चीट मील का. ओके. इस दिन तो मैं आज मैंने बिरयानी भी बाहर से खानी है, और मैंने मतलब कोई फैंसी मील जो आपने जो आपका क्रेविंग होता है वो आप एक दिन रखें. एक दिन आप एक या दो मील्स खा सकते हैं, पर वो भी जैसे अगर आप कहो कि अगर मैंने बिरयानी खानी है, अगर आप आपको भूख एक प्लेट की है और आप दो सर्व खा रहे हो, तो वो तो आप अपना वैसे ही चले जाओगे. इंडल्ज योरसेल्फ, दैट्स फाइन. अभी लाइफ जिंदगी बहुत छोटी है, एंड आई थिंक सब चीजों का स्वाद लेना बहुत जरूरी है. तो जरूर कीजिए. जरूर कीजिए. बिल्कुल. आज जिन लोगों ने आज का शो लाइव देखा, थैंक यू. आपका हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, नया साल मुबारक. और ये नया साल हमें खूब हेल्दी और मजे का गुजारना है. और आपने दीवास के पेज को लाइक करना है, शेयर करना है अपने तमाम फ्रेंड्स साथ. साइन अप करें आज ही, क्योंकि आपका अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज आप सीख सकेंगे. हर तरह के हमने कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा जिसमें हम ग्रूम ना करें. उसमें हम एक ब्यूटिशियन भी होगी जो आपके टोटल लुक पे काम करेगी आपके साथ. तो 30 डेज की एक जबरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. तो आप लास्ट वर्ड्स आप कुछ बोलेंगे सबको, उसका हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है. आई एम गोइंग बिहाइंड द कैमरा और इट्स टोटल आपका है लास्ट मिनट. कोई स्पेशल मैसेज न्यू ईयर के हवाले से और दीवास प्रोग्राम के बारे में? मैं वहां पर जा रही हूँ, ये सिर्फ आपका पार्ट है, मेरी तरफ से बाय बाय. मैं सिर्फ फीमेल्स को इतना ही बोलना चाहूंगी, हम जितनी भी विमेन हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, जिनके बच्चे हैं, और जिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद ही ला सकते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. बहुत लेडीज हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, गो आउट एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने आप को खुद एम्पावर कर सकते हैं. थैंक यू.